नमस्ते प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह आप सबके फिर से टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतानी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी 8 जनवरी के सुबह के 10 बड़ी खबर जोन जुड़ल बाटे पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, मिट्ठू मार्शल और देश प्रेमी वहीं पे धनंजय धरकन के तरफ से। तो आप सब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दें और घंटी पर जाके आप सब ऑल क्लिक कर ली। सबसे पहलका खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के एगो फिल्म साइन किए रहन जोन फिल्म के नाम बटे वारंट। आप सबके बता दी कि फिल्म आज से एक साल पहले ही पवन सिंह जी साइन कर ले रहन, लेकिन एकर फिल्म के कोनो भी तरह से शूटिंग उस समय ना भई रहे। लेकिन आप सबके बता दी कि फिल्म के बहुत जल्द एकर शूटिंग स्टार्ट होखे वाला बा। आप सबके बता दें कि 4-5 दिन में ही इस फिल्म में जोरों शोरों से जुड़ जी हैं पवन सिंह, वहीं पे पवन सिंह जी के पूरा टीम। आप सबके बता दें कि फिल्म में स्टार कास्ट में बने पवन सिंह जी, वहीं पे अभी तक कोई खुलासा नहीं है बल कि आखिरकार ए में नीड हीरोइन के रोल में आप सबके के नज़र आवे बा। अभी स्टार कास्ट के चयन अभी जारी बाटे इस फिल्म खातिर और दो तीन दिन बाद इस फिल्म के शूटिंग स्टार्ट हो जाई। वहीं बढ़ जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के गाना जोन गाना के बोल बाल लहंगा लखनऊआ। आप सबके बता दें कि जोन वीडियो सॉन्ग कर रहे मात्र 7 घंटा में ही 2 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल। वहीं पे भोजपुरी इतिहास के 2020 के पहली रिकॉर्ड सन कायम कर दिले खेसारी लाल यादव जी, जो उनकी 7 घंटा में अभी तक कोनो भी सिंगर के 2 मिलियन व्यू क्रॉस ना किले रहे। जिनके खेसारी लाल यादव जी एगो पहाड़ से का रिकॉर्ड कायम कर दिले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के फिर से 2019 के गाना प्लेबैक 2019 में उनका फिर से बहुत ही अच्छा स्थान मिलल बा। जी आप सबके बता दी कि टॉप आर्टिस्ट भोजपुरी में पवन सिंह जी पहला स्थान पे बाने gaana.com में। जी आप सबके बता दी कि ये ऐप है जो कि हर एक साल निकलेला कि आखिरकार कौन लैंग्वेज में नंबर 1 गायक के बाटे। तो वो में पवन सिंह जी बाने भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 गायक। जी आप सबके बता दी कि gaana.com के जो वेबसाइट बटे चाहे ऐप बा, वो ऐप में जो भोजपुरी लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा गाना सुनल गिल बा, वो सुनल गिल बटे पवन सिंह जी के, जो कि gaana.com में बना देता भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर। वहीं बह जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के एक गाना रिलीज भी रहे जो गाना के बोल बा लहंगा लखनऊआ। आप सबके पता हुई कि गाना पे बहुत सारा विवाद होखल, लेकिन आप सबके बता दें कि जो गाना बटे खेसारी लाल यादव जी के ई हो चुकल बटे यूट्यूब पर से डिलीट। जी हाँ, आप सब सही सुनी, जो गाना बटे खेसारी लाल यादव जी के ई यूट्यूब पर से हो चुकल बटे डिलीट। और कौन प्रॉब्लम से डिलीट भेल बा आप हम सबके बता देता नहीं। आप सबके बता दें कि ई सॉन्ग जो रहे जो उनकी जो भी हो के जो उनके आप सब जानते नहीं कि भोजपुरी में चोरी होत रहेला, जो उनकी आप सबके पता हो कि पहले खेसारी लाल यादव जी गिले रहन, ओकरा बाद रितेश पांडे जी गिले होखन। लेकिन कंपनी से हो चुकल बटे विवाद नहीं कि खेसारी लाल यादव जी से भइल बा। खेसारी लाल यादव जी के पता ना रहे कि सॉन्ग ये सब बाटे, उ अइले गा देले उनका का पता बा कि चोरी के बा कि का के बा। लेकिन आप सबके बता दें कि जो कंपनी के मालिक बने वो पे कुछ भइल हुई कार्रवाई, एक कारण से गाना के डिलीट कर देल गई बा। जी आप सब सही सुननी, ये गाना के लेके बहुत सारा विवाद चल रहा है, ऊपर कार्रवाई भइल बटे। ये चलते खेसारी लाल यादव जी के दोनों गाना बटे जो कि डिलीट हो चुकल बा। आप सबके बता दी कि गाना दोसर चैनल पे अब आप सबके सुने के मिली, ना ही कि आप सबके आदि शक्ति फिल्म पे सुने के मिली। वहीं बह जाओ पाँचवा खबर की ओर। तो पाँचवा खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के वो गाना रहे बतार को भी भूल जाओगी, जो कि 87 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। जी आप सबके बता दी कि जो गाना बटे ऑडियो और वीडियो के दोनों के व्यू जोड़ के इस 87 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। आप सबके पता हुई कि गाना DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पे रिलीज कर रहे, वहीं पे सबसे ज़्यादा गाना ये बजल भी रहे और ये जो गाना बटे 87 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। और बहुत जल्द इस 100 मिलियन व्यू क्रॉस करे वाला बाटे।
वहीं बह जाओ सतावा खबर की ओर। सतावा खबर निकल के आ रहल बटे धनंजय धड़कन के तरफ से। आप सबके बता दें कि धनंजय धड़कन छोड़ दिले बाने आरसीएम म्यूजिक के साथ। जी हां, आप सब सही सुननी, आरसीएम म्यूजिक पे अब धनंजय धड़कन के एक भी गाना सुने के ना मिली। कहा कि आरसीएम म्यूजिक के धनंजय धड़कन छोड़ दिले बाने। वहीं आप सबके बता दें कि इंकर अब जो गाना आई उ गावल बटे लोटस म्यूजिक भोजपुरी पे, वहीं पे लोटस म्यूजिक इंडिया पे। तो ये दोनों चैनल के सब्सक्राइब करके रखा हम, कहा कि जितना भी धनंजय धड़कन के गाना बटे अब उहे चैनल पे आप सबके सुने और देखे के मिली। वहीं बह जाओ सतावा खबर की ओर। तो सतावा खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। जी हां, आप सबके बता दें कि पवन सिंह जी के फिल्म बॉस के ट्रेलर बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज होके वाला बा। आप सबके बता दें कि एकर जो ट्रेलर बटे आप सबके बीच में जनवरी में ही सुने के मिली और बहुत जल्द आप सबके बीच जनवरी में ही देखे के मिली और बहुत जल्द आप सबके बीच में एकर ट्रेलर आप सबके बीच में रिलीज होके वाला बाटे। वहीं बह जाओ अठवा खबर की ओर। अठवा खबर निकल के आ रहल बटे अवधेश प्रेमी के तरफ से। आप सबके बता दें कि अवधेश प्रेमी के भी एक गाना रिलीज भइल बा, जोन गाना के बोलबा नस्ले बा लहंगा लखनऊगा। आप सबके बता दें कि जोन गाना बटे उंगर से सेम टू सेम नहीं के, बल्कि उंगर बस जोन टाइटल बटे लहंगा लखनऊगा, ये अवधेश प्रेमी गैले बाने और बहुत ही सुंदर सॉन्ग बटे। अगर फुल HD क्वालिटी में एक वीडियो डाल दो गिल बा तो आप सब जाके अवधेश प्रेमी के ऑफिशियल चैनल पे ई गाना शॉर्ट वीडियो देख सकत नहीं जा फुल HD क्वालिटी में। वहीं बह जाओ नौवा खबर की ओर। तो नौवा खबर निकल के आ रहा बटे मिट्ठू मार्शल के तरफ से। आप सबके बता दें कि मिट्ठू मार्शल के एक गाना जो कि बहुत ज़्यादा आप सबके बीच में सुनने के मिली, जो गाना के बोलबा कुंवारे के होली, और ये होली सॉन्ग होके वाला बटे और बहुत जल्द आप सबके बीच में ये सॉन्ग सुने के मिली। वहीं बह जाओ दसवा और आखिरी खबर की ओर। तो दसवा और आखिरी खबर निकल के आ रहा बटे धनंजय धड़कन के तरफ से। आप सबके बता दें कि धनंजय धड़कन के बहुत जल्द आप सबके बीच में गाना रिलीज होके वाला बा, जो गाना के बोलबा कदम जगहिए पे होल, क्योंकि बहुत जल्द आप सबके बीच में लोटस म्यूजिक पे ये गाना के सुने के मिली। तो उम्मीद करता नहीं आज के शाम के 10 खबर में से सबसे अच्छा खबर आप सबके अच्छा लागल हो कि, और सबसे अच्छा खबर केकर लागल कमेंट में अपन राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।